हेलो गाइस, वेलकम टू क्रूपिन विथ इंडियन वेव्स। तो आज के वीडियो है नॉट थ्री। आज नॉट का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने तीन वीडियो बनाया है, इंट्रोडक्शन वीडियो, एक नॉट वन का वीडियो, एक नॉट टू का वीडियो। सब नॉट्स अलग अलग है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको नॉट के यूजेज और अलग अलग कैसी नॉट्स होती है वो बताया है। तो आज का वीडियो है नॉट थ्री। तो नॉट थ्री में आज हम बात करेंगे तीन बैंड्स के बारे में। तो बैंड्स का यूज क्या होता है वो मैं आपको वीडियो के ड्यूरिंग बताऊंगा, और उसके लास्ट में भी बताऊंगा कि बैंड्स किस लिए यूज होती है। तो आज की तीन बैंड्स है, शीट बैंड, डबल शीट बैंड और रीफ नॉट। ओके, तो पहला है शीट बैंड। जो बैंड होती है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया, तो आप जरूर देखें वो वीडियो। बैंड जो होती है वो यूज होती है दो रोप के एंड को जोड़ने के लिए। ये बैंड यूज होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने थोड़ा कलर चेंज किया है इसका। ये है ग्रीन, ये है व्हाइट। तो पहला है शीट बैंड। तो शीट बैंड को आप देखो, एक एंड में आपको बनाना है आई, या तो फिर वो परमानेंट आई हो सकता है, या फिर बस आप ऐसा बाइट बना दो टेम्पररी यूज के लिए। और ये देखो, पहले बाइट बनाया, इसके नीचे से पास करना है, फिर से ऊपर से घुमा के नीचे से पास करना है, और ये जो एंड आया इसके नीचे से पास करना है। ये एंड आपने खींचा, ये नीचे से खींचा, ये हो गई शीट बैंड। आपको फिर से दिखा दूं, कोई भी नॉट, कोई भी बैंड है वो देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे का एक कॉम्बिनेशन होती है। तो अभी ये देखो, एक रोप का टेम्पररी ये बाइट बनाया, या फिर जो परमानेंट आई है उसमें भी बना सकते हो आप। नीचे से पास किया, ऊपर से घुमाया, और ये जो रनिंग पहला जो हम लोग ने पहला जो रोप आया उसके फिर से नीचे से पास किया और ये खींचा, ये हो गया शीट बैंड। ओके, दूसरा आता है डबल शीट बैंड। तो डबल शीट बैंड सेम टू सेम यही नॉट है, पर वो क्या होता है, ऐसा क्या होता है कभी सिंगल शीट बैंड, क्योंकि एक टर्न घुमा। अभी क्या होता है कि सिंगल शीट बैंड ज्यादा, मतलब ज्यादा वेट आया, ज्यादा इस पे प्रेशर आया, दोनों साइड से ज्यादा प्रेशर आया, तो क्या ये टाइट हो सकता है, ये फिट हो सकता है। तो इसके लिए है डबल शीट बैंड, कि अगर आपको लगता है कि ज्यादा वेट आएगा रोप पे, या फिर रोप टाइट होने का चांसेस है, तो डबल शीट बैंड इसको नीचे से पास करना है। वो बाद में ये जो अपना रनिंग एंड आया उसमें से पास करना है, ये हो गया सिंगल शीट बैंड। और यही दूसरा टर्न मारोगे यहाँ पे, तो ये हो गया डबल शीट बैंड। बाद में एक बार इसको खींचना है, एक बार इसको खींचना है, ये हो गया डबल शीट बैंड। ये क्या होगा, आपका ज्यादा वेट आएगा तो भी ये रोप इजीली खुल जाएगा ऐसा करके। यहां से फिर से आपको डबल शीट बैंड दिखा देता हूं। तो ये आपने टेम्पररी एक बाइट बनाया, या फिर यह परमानेंट आई भी हो सकता है। नीचे से पास किया ये अपना रनिंग एंड को, इसके नीचे से पास किया, यहां से पास किया, ये हो गया सिंगल शीट बैंड और ये हो गया डबल शीट बैंड। तो ये क्या ज्यादा वेट आएगा, ज्यादा वेट ये तो क्या ये ज्यादा वेट आएगा तो टाइट होने के ये मतलब लॉक नॉट लॉक हो जाने के चांसेस कम है। ये इसको हम इजीली खोल सकते हैं सिंगल शीट बैंड के हिसाब से। हाँ ओके, तो ये हो गए शीट बैंड। अभी ये थर्ड नॉट के बारे में बात करेंगे, रीफ नॉट। ये नॉट देखो, अभी रीफ नॉट जो है वो यूज होता है दो सेम साइज की रोप जोड़ने के लिए, टेम्पररीली जोड़ने के लिए। फिर से सुन लेना, जो शीट बैंड है उसको आप अलग अलग साइज की रोप्स में यूज कर सकते हो, बट जो रीफ नॉट है वो दो सेम साइज की रोप को जोड़ने के लिए ही यूज होती है। तो बैंड के लिए देखो आप, पहले तो हम लोग ने एक ओवर हेड नॉट मारा, ठीक है। अभी ये देखना, ये जहां से अंदर आया है वहीं से फिर से अंदर जाना चाहिए। तो देखो,
ये वहीं से अंदर जाना चाहिए। तो ये हो गई रीफ नॉट। ये देखो रीफ नॉट ऐसे मूव होती है। फिर से दिखा देता हूं, ये दो सेम साइज की रोप है, उसको एक टर्न लिया, ठीक है, ये ओवरहेड नॉट हो गया एक। अभी यहां से घुमाना है, ये देखो ऊपर से नीचे से ऊपर आया है, तो ये फिर से नीचे से ऊपर आना चाहिए। तो ये हो गया आपका रीफ नॉट। तो रीफ नॉट यूज होती है दो सेम साइज की रोप को जोड़ने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये आज मैंने आपको तीन बैंड्स के बारे में बताया। तो बैंड्स यूज होती है टेम्पररीली दो रोप को जोड़ने के लिए। तो थोड़ा ध्यान रखना, रीफ नॉट दोनों सेम साइज की रोप को जोड़ने के लिए यूज होती है, और शीट बैंड आप अलग अलग साइज की रोप के लिए भी यूज कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉट 4 के साथ, और दूसरे वीडियोस भी देखते रहे, इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर से जय हिंद।